तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। दोस्तों अभी आप देख सकते हैं वीडियो को बनाते हुए बहुत ही हो रहा है और देख सकते हैं यहाँ पे बाढ़ आ चुका है और ये पूरी फसल जो है ये धान का फसल है और ये डूब कर बर्बाद हो चुके हैं। काफ़ी दुख की बात है दोस्तों, हमारे गांव में पानी आ चुका है और इधर जितने लोग हैं सभी किसान हैं और किसान का मुख्य व्यवसाय क्या होता है कि वो खेती करते हैं और यहाँ पर प्राकृतिक आपदा आ चुका है जिससे कि पूरी फसल ये नष्ट हो चुकी है और काफ़ी दुख की बात है। और इधर मेरा खेत है और यहाँ देखिए घर में पानी जा रहा है। तो दोस्तों अब इस वीडियो को हम कल दिखाएंगे और देखते हैं यहाँ पे कितना पानी आ चुका है और ये धान तो देख रहे हैं पूरा डूब चुका है और एरिया है यहाँ से पूरा एरिया जो है इधर धान लगा है और पूरे धान डूब चुके हैं और काफ़ी नुकसान हो गया है यहाँ पे। और क्या करें दोस्तों, प्राकृतिक आपदा है, फिर भी इसे झेलना पड़ेगा और जल्दी अपने गांव को दिखाते हैं। हमारे गांव में पानी उतर कर चुका है।
हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों अभी आप देख सकते हैं हमारे पीछे यहाँ पर जो जो पानी भरा है, ये कोई नॉर्मल पानी नहीं है, बाढ़ का पानी है। और अभी आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ से पूरा एरिया जो है पानी से भर चुका है। और ये एक दिन का बाढ़ है, लगभग ये दो दिन तक बहुत काफ़ी तेज़ी से पानी यहाँ पर बढ़ रहा है। और ये हमारे एरिया में बाढ़ आया हुआ है और काफ़ी तेज़ी से पानी बढ़ रहा है। और अभी सुबह ये रोड के पास, ये जो रोड अभी आप देख रहे हैं, काफ़ी पानी इसके नीचे था और लगभग ये एक घंटे में अभी रोड के लेवल पे आने वाला है पानी। और लगभग अभी आधे घंटे में ये रोड पूरा भर जाएगा और यहाँ पर आना जाना मुश्किल हो जाएगा। तो बने रहिए दोस्तों हमारी वीडियो में, आगे ही और हम दिखाते हैं इस बाढ़ को। चलो ठीक है, चलिए आगे। बहुत तेज है यार। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बाउंड्री यहाँ पर थी, लगभग 3 फीट की बाउंड्री थी, अभी ये टूटने वाली। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ मोड़ है और इधर से काफी बच्चे और लोग वहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, साइकिल गाड़ी वगैरह धो रहे हैं, काफी लोग स्नान कर रहे हैं। इनको बाढ़ का उम्मीद नहीं है कि हट जाए, बाढ़ काफी तेजी से बढ़ रही है।
पूरा एरिया पानी से लबालब है। दोस्तों भी आप देख सकते हैं यहाँ पर हम रोड के बीचों बीच आ चुके हैं और यहाँ पे काफ़ी पानी भर चुका है रोड पर और अभी शाम तक यहाँ पर आना जाना मुश्किल हो जाएगा। अभी काफ़ी लोग तो आ जा रहे हैं यहाँ पर लेकिन शाम को भी बहुत मुश्किल हो जाएगा और एरिया देख सकते हैं पूरा अभी पानी से भर चुका है।
हमारे एरिया के मेन रोड है और अभी शाम तक यहाँ से दोस्तों अभी हम कुछ और दूसरे एरिया को दिखाते हैं वहाँ किस तरह से पानी भरा हुआ है। तो चलिए और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी किस तरह से लहर मार रहा है। ये देखिए लगभग धीरे धीरे पानी ऊपर की तरफ आ रहा है। दोस्तों ये देख सकते हैं हमारे एरिया के मेन ब्रिज है और यहाँ से ही पानी पास हो रहा है और यहाँ से लगभग अभी एक हाथ बाकी है, नहीं पूरा ब्रिज खसाखस पानी जा रहा है और इसके आगे वहाँ पर एक ब्रिज और है छोटा सा, उसमें भी पानी बहुत तेज़ी से जा रहा है। तो दिखाते हैं आपको पानी कितनी तेज़ी से जा रहा है। छोटू अब उधर से फोकस करूंगा। ये देखिए दोस्तों यहाँ से पानी बहुत तेजी से जा रहा है। चलिए दूसरे एरिया को हम दिखाते हैं। दोस्तों अभी आप देख सकते हैं गाड़ी यहाँ जाने में काफ़ी इसको दिक्कत हो रहा है और काफ़ी देखते हैं। अभी हम उधर रोड के साइड गए थे, उधर भी पानी भर चुका है रोड पर और यहाँ भी पानी भर चुका है। लगभग इतना पानी यहाँ पर भर चुका है और पानी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और उस एरिया से पानी उस साइड जा रहा है और इस साइड से हमारे गाँव में जा रहा है पूरा। तो इसके कनेक्टेड भी PS1P है कर दोस्तों, अभी आपको न्यूज़ मिलने वाली है एक दो घंटे बाद। दो तीन लोग डूब चुके हैं। तो दोस्तों यहां पर हम वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है शेयर करें। जय हिंद जय भारत।